अशोक गहलोत इतना नीचे गिर जाएंगे मैंने सोचा नहीं था। कांग्रेस के लोग वहां दिल्ली में जाकर रोते रहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है, डेमोक्रेसी जो है नहीं है। रिहाई के बाद राजस्थान पुलिस पर आजाद का बड़ा आरोप। मुझे ये उम्मीद राजस्थान सरकार से नहीं थी कि वो उनकी पुलिस और वो इस तरह का जो घटिया रवैया करेंगे। सारे फोनों के साथ उनका सॉफ्टवेयर जो है छेड़छाड़ हुई। चंद्रशेखर ने कहा, मेरे फोन के साथ पुलिस ने की छेड़छाड़। जयपुर की जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद भी आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने जयपुर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आजाद ने जयपुर पुलिस पर उन्हें गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार करने और फिर उनके फोन के साथ छेड़छाड़ करने का गंभीर आरोप लगाया है। शनिवार को आधी रात को जयपुर में चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद उन्हें सोमवार को जमानत मिल सकी। जमानत पर आने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा वो आप खुद सुनिए। 2 तारीख में उनका धरना था, उनकी मांग है, जायज मांग है, हम लोग उनका समर्थन करने के लिए आए। रात को 12 बजे लगभग जो है पुलिस सिविल वर्दी में आती है और 21-22 लोग हम लोग होटल में ठहरे हुए थे, हमें अरेस्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ विधायकपुरी हम लोग को रखा जाता, रात में 3 बजे यहाँ से अलग अलग स्थानों ट्रांसफर किया जाता। नेक्स्ट डे को जब हम लोग सदर थाने में इकट्ठा हमें किया गया तो हमें बताया गया कि अब कोर्ट आप जाएंगे, कोर्ट में पेश किए जाएंगे, लेकिन वहीं से कोई व्यक्ति जो है वो कहते हैं मैं मजिस्ट्रेट हूँ और वो इसलिए उनकी कोई जानकारी हमें नहीं थी। वो सिविल उसमें थे और मास्क लगाए हुए थे, उन्होंने कहा कि भाई आपको 2 दिन की जैसे भेजा जा रहा। आज हम लोग वहाँ से रिहा हुआ है, मैं अपने मोबाइल फोन और उसके साथ का सामान कलेक्ट करने के लिए आया हूँ। तो यहाँ ये जानकर सारे फोन ऑन है डाटा उड़ाया है कंप्यूटर पर डाटा मैंने बिल्कुल, क्योंकि मैं जिम्मेदार आदमी हूँ और मैं अपनी पार्टी से भी मेरा बहुत सारा डाटा इसमें है मेरे मुकदमे रिलेटेड। मुझे ये उम्मीद राजस्थान सरकार से नहीं थी कि वो उनकी पुलिस और वो इस तरह का जो घटिया रवैया करेंगे। सारे फोनों के साथ उनका सॉफ्टवेयर जो है छेड़छाड़ हुई, उनका पर्सनल डाटा जो है जो कि सुप्रीम कोर्ट में जिसके लिए वो करता है कि निजता का अधिकार है, वो डाटा को वो नहीं चोरी कर सकते, वो डाटा चोरी हुआ है। उसके बावजूद जो है घर में किसी को जैसे रूल्स हैं कि पुलिस को जो है परिवार को इन्फॉर्म करे, किसी को इन्फॉर्म नहीं किया गया है। खूब जो है पुलिस के अधिकारियों द्वारा जो है तमाम तरह की अव्यवहारिक चीजें की गई है। चलिए ठीक है, मैं समझता हूँ कि आप उसको रिस्पॉन्सिबल समझते हैं, पुलिस का यही व्यवहार होगा राजस्थान का, तो ठीक है। लेकिन हमारी गाड़ियां जो है वो अभी खबर आ रही है कि कहीं टोल उनके कट रहे हैं, मतलब हमारी पर्सनल गाड़ियां पुलिस यूज कर रही है, अगर उनके उनसे कोई दुर्घटना हो जाएगी या पुलिस कुछ और वो कर देगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। और हमारे मोबाइल फोन में इस तरह छेड़खानी हुई है, इसमें कोई कुछ अपडेट कर देगी या कोई सॉफ्टवेयर डाल देगी या कोई मैसेज जो कर दिया, ऐसा पहले भी हो चुका सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, तो कौन जिम्मेदार होगा। तो अशोक गहलोत इतना नीचे गिर जाएंगे मैंने सोचा नहीं था। कांग्रेस के लोग वहां दिल्ली में जाकर रोते रहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है, डेमोक्रेसी जो है नहीं है, कानून का राज खत्म हो गया है अपने नेता के लिए। और यहाँ कांग्रेस के लोग ऐसा करते हैं, सरकार तो पता लगता है कि सरकार का चीज जैसा होता है। मैं समझता हूँ गहलोत साहब अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, वो चाहते नहीं कि सीएचओ की मांग पूरी हो या कोई आंदोलन यहाँ हो। लेकिन बड़ी समस्या ये है कि जब 2 तारीख को हमें आंदोलन की परमिशन नहीं, तो 3 तारीख को एक और आंदोलन यहाँ कैसे हो जाता है इतने बड़े स्तर पर, उसको परमिशन कैसे मिल जाती है? क्या एक ही प्रदेश में और एक ही जिले में राजधानी में अलग अलग लोग के अलग कानून है? तो ये जो मिली भगत है आपसी एजेंटगिरी, ये इसका खिलाफ हम लोग, और अभी तो हम लोग FIR हमने दी है कि भाई हमारी FIR दर्ज की जाए, हमारे मोबाइल का डाटा जो है जो इस तरह से ऑन किए गए, इनको पर्सनल फोन हमारे सुने गए होंगे, क्या डाटा चोरी गया अभी देखना पड़ेगा, लेकिन डाटा चोरी हो क्योंकि फोन ऑन है। दूसरा जो है जिस तरह से गाड़ियों का यूज किया गया, अगर कोई दुर्घटना कल कोई इस तरह की बड़ी घटना सामने आती है तो आरोप से हम पे आएगा, लेकिन वो पुलिस ने किए। तो राजस्थान सरकार के सहारे पे पुलिस ने जो किया है वो मैं समझता हूँ कि वो गैर जिम्मेदारी है और एक षड्यंत्र है। मैं इसके खिलाफ जो है कोर्ट जाऊंगा और इन अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगा। ऐसा करने का अधिकार किसी को नहीं दिया गया है। अभी पुलिस ने आपकी FIR दर्ज की इस बारे में? नहीं, आपने अभी एप्लीकेशन दी है, देखो उनका क्या होता है, वो नहीं करेंगे हम, कोर्ट के जरिए करेंगे, हमें पता है अपने राइट्स के बारे में। लेकिन जिस तरह का व्यवहार यहाँ है वो उससे स्पष्ट आता है कि मुख्यमंत्री नहीं चाहते, मुख्यमंत्री निकाल देंगे जयपुर से मुझे, उनके बाप का मुख्य यह है कि जयपुर राजस्थान सबका है, जयपुर राजस्थान वो निकाल देंगे मुझे, क्या मैं अपने अधिकार नहीं जानता? ये जो गुंडागर्दी है ना ये नहीं चलेगी। और ऐसी पाली में हुआ था जिस दिन मुझे
रोते रहते हैं कांग्रेस के लोग दिल्ली में जाके, जिस दिन मुझे उदयपुर एयरपोर्ट पर रोका गया उस दिन वहां अरेस्ट का पर्सन चलन हुआ 5 बजे, अखबार मैंने पढ़ा और कह रहे धारा 144 लगी हुई है। ये जो एजेंटगिरी हो रही है सत्ता के पक्ष के लोग जो कर रहे हैं, ये दोहरा छेद कांग्रेस का देखने, मतलब हम बताएंगे पूरे देश को जाके कि किस तरह से वहां कांग्रेस जो है लोगों की आवाज को कुचल रही है। और ये हमारे साथ है, आम आदमी के साथ क्या होता होगा। हम अपनी पार्टी को ऑपरेट कर रहे हैं जिस तरह गैर जिम्मेदार तरीके से, और उठा के लाना और ये फोन वोन इस तरह से ये सब चीजें करना, और उदयपुर के पीड़ित को 50 लाख रुपए दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री साहब की सरकार ने घोषणा की थी कि जितेंद्र मेघवाल के परिवार को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे, एक नौकरी दी जाएगी, आज तक तो नहीं हुए। तो दलितों के प्रति जो सरकार का रवैया है वो बड़ा खतरनाक है, दलितों को सावधान होना चाहिए और ऐसे मुख्यमंत्री और सरकार को जरूर सबक सिखाना चाहिए। मैं प्रयास करूंगा कि दलित अपनी अस्मिता की लड़ाई खुद लड़े और वो जवाब। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मोबाइल का डाटा लीक हुआ है, कहीं कहीं आप प्राइवेसी को लेकर आप आगे आप सीएचओ को लेकर किस तरीके के हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम चाहेंगे कि उनकी मांग जल्दी पूरी हो, हम उसके लिए दोबारा से आंदोलन करेंगे। कितनी बार सरकार जेल भेजेगी हम तैयार हैं, सरकार जेल भेजती रहे, हम अपनी लड़ाई को मजबूत करते रहेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री ये जान ले कि ऐसा नहीं होगा, अगर वो सोचते हैं कि जेल की वजह से हम लोग लड़ना बंद कर दें, ऐसा नहीं होगा। हम संविधान के तो फिर लड़ेंगे, हम फिर उनकी हमारी टीम यहाँ से बात कर, जब दोबारा फिर डेट तय होगी तो मैं फिर आऊंगा, वो होटल लेकर अरेस्ट करा दें या फांसी चढ़ा दें, तो हम अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे और जनता की आवाज उठाएंगे। जनता के मुद्दों पर हम लोग चुप नहीं रहेंगे, अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। असली क्या है, सरकारें जानती है कि हम अग्निवीर के खिलाफ यहाँ बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। अग्निवीर के नाम पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट धोखा कर रही है, उस धोखे के खिलाफ जो नौजवान परेशान है उसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री किस मुंह से बात कर रहे हैं, रीट में देखिए घोटाले हो रहे हैं, पुलिस की भर्ती में घोटाले हो रहे हैं, कहाँ नहीं हो रहे घोटाले, हर एग्जाम में घोटाले हो रहे हैं, कहाँ कानून का राज है। कानून का राज से विपक्ष की आवाज दबाने के लिए ऐसा नहीं, राजस्थान में दलित अपनी अस्मिता की लड़ाई पहले भी लड़ता है और अब वो लड़ेगा, उन्होंने अपमान देखा है। आने वाले समय में मान ले कि आप राजस्थान बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और हम यहाँ नौजवानों की आवाज को मजबूत करेंगे, हम इतनी आसानी से जो है अन्याय नहीं होने देंगे। और अगर उसके लिए सरकार हमें जबरन जेल भेजेगी तो हम तैयार हैं, लेकिन ये समय है, सरकारें बदलती रहती है, कभी हो सकता है शोषितों के हाथ में सरकार आ जाए। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष राम लखन मीणा जी साहब है, वो मजबूती से हमारी पैरवी कर रहे थे, हमारे लीडर्स ने यहाँ पैरवी, तमाम लोगों ने मजबूती से जो है सरकार के खिलाफ बात रखी। हम इसको भूलेंगे नहीं, हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। और अभी जो पुलिस का रवैया हमारे कार्यकर्ताओं के, क्यों कल वो आरएसएस के सामने क्यों घुटने टेक दिए थे, उनके साथ भी उस तरह का व्यवहार करते, उनको भी लाठी मारते, उनको भी जेल भेजते, तब तो हम मान लेते, तो उनके आगे घुटने टेकते हो और हमें विपक्ष के लोगों को जो है इस तरह से जबरन जेल भेजते हो। हम समझते हैं आपकी, आप कितने जो है ताकतवर हैं और कितना जो है आप अहंकार में है, दोहरी मानसिकता, ये दोहरी मानसिकता जनता देख रही है और जनता जवाब देगी। राजस्थान के बहुजन समाज जो है एससी ओबीसी में इस अपमान का बदला जो है वो अपनी लड़ाई जो है संविधान के लड़के लेकर। इस मामले पर आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीक।